हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की कॉमिक्स, सब मरेंगे बारी बारी का दूसरा भाग। अचानक एक बड़ा और विचित्र सा फूल राजा साहब के चेहरे से आ टकराया था, जबकि इधर तिरंगा की आंखें चौड़ी और चौड़ी होती चली जा रही थी। जिस चीज की मुझे तलाश थी, इस किताब के रूप में मुझे मिल गई है। विश्व भर के राजपाटों के दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सर्वविदित है, एक राष्ट्रभक्त और जाबाज सैनिकों से भरी सुदृढ़ सेना, और दूसरा अपनी कला और चालाकियों से राज्य की सेवा करने वाले गुप्त सेवक, अय्यार, विषकन्याएं और गणिकाएं। लेकिन ऐसे गुप्त सेवकों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है कहर जाति। इतिहास गवाह है कि हत्या करने की गुप्त कला में माहिर कहर जाति के लोगों ने सैकड़ों बार पूरी की पूरी सेना को बिना हथियार उठाए ही समाप्त कर दिया है। अकेली अपनी कला के बल पर हजारों बार सत्ताई पलट दी है। यूं तो इस जाति के लोग हत्या करने के असंख्य गुप्त तरीकों में माहिर हैं, लेकिन फिर भी कुछ तरीके अत्यंत प्रचलित हैं जिन्हें यहां दिया जा रहा है। पारे से मौत। इस विधि में कहर जाति के लोग पारे से भरी हांडी का प्रयोग करते हैं और उसके नीचे दहकते अंगारे रख देते हैं। फिर उस हांडी को हवा का रुख देखकर ऐसी जगह रख देते हैं जहां से हांडी में उबलते पारे का धुआं उनके शिकार तक आसानी से पहुंच जाए। उस धुएं की बदौलत पारा शीघ्र ही शिकार के मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जिसके प्रभाव से मस्तिष्क की नसें फट जाती हैं। खतरनाक मौत। इस विधि में अपने शिकार को परलोक पहुंचाने के लिए कहर जाति वाले गोह नामक प्राणी का इस्तेमाल करते हैं। यूं तो गोह मनुष्य से डरकर भागने वाला प्राणी है, लेकिन अगर उसे कई दिनों तक किसी डब्बे में बंद कर दिया जाए तो वह अत्यंत घातक हो जाती है, और जो भी उस डिब्बे को खोलता है उस पर मौत बनकर झपट पड़ती है। गोह की इसी प्रवृत्ति का लाभ उठाकर कहर जाति वाले गोह को किसी उपहार स्वरूप दिए जाने वाले डब्बे में बंद करके उसे शिकार तक पहुंचा देते हैं, और फिर गोह शिकार को पहुंचा देती है परलोक। ओह, ज्यों ज्यों तिरंगा पुस्तक के पृष्ठ पलट रहा था, त्यों त्यों उसके सारे शरीर में सनसनाहट भरती चली जा रही थी। खामोश मौत। कहर जाति के लोगों में यह विधि काफी प्रचलित है, क्योंकि इस विधि में उन्हें कुछ खास नहीं करना पड़ता। इसमें वे अपने शिकार के कक्ष में जलते अलाव के धुएं को कक्ष में ही भर देते हैं, जिससे कक्ष का वातावरण दम घोटू हो जाता है। लेकिन इसका पता शिकार को नहीं चलता, क्योंकि धुएं के रूप में खामोश मौत आकर शिकार को मीठी नींद से मौत की नींद में सुला देती है। इस विधि में कहर जाति के लोगों को सिर्फ उस चिमनी का मुंह बंद करना होता है जिससे कक्ष के अलाव का धुआं बाहर निकलता है। जहरीले बिच्छू। दही और गोबर का मिश्रण एक घड़े या मर्तबान में अच्छी तरह बंद कर दिया जाए तो यह मिश्रण कुछ दिनों बाद भयंकर रूप ले लेता है। मिश्रण के प्रभाव से घड़े में जहरीले बिच्छू जन्म ले लेते हैं, और फिर वे अपने शिकार पर झपट कर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। यह अत्यंत घातक और सफल विधि है, इसीलिए कहर जाति वाले इसे अधिकतर प्रयोग में लाते हैं। विषशूल। इस विधि में कहर जाति वाले कंटीले पौधों को जिस जल से सींचते हैं उसमें घातक विष मिला होता है। सिंचाई में प्रयोग किया गया यही विष पौधों के कांटों में बस जाता है, जो शिकार के चुभा नहीं कि उसकी मौत हुई नहीं। हत्यारी खुशबू। अपने शिकार के कपड़ों या शरीर पर चंदन की खुशबू पहुंचा देना, और फिर चंदन की गंध पर आकर्षित होने वाले जहरीले सर्पों को शिकार पर छोड़ देना, कहर जाति वाले खूब जानते हैं। यह विधि भी खूब प्रयोग करते हैं कहरी। पुस्तक समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका एक एक शब्द तिरंगा के मस्तिष्क में जो ज्वार लाया था वह बढ़ता ही जा रहा था। यह पुस्तक हत्यारे की एक रूपरेखा मेरे सामने ले आई है। राजघराने के सदस्यों की हत्या करने के उसके तरीके बता रहे हैं कि हत्यारा
कहर जाति का आखिरी व्यक्ति है, इसीलिए वह है आखिरी हत्यारा। और वह कौन है इसका पता लगाने के लिए मुझे तुरंत ही राजा साहब से मिलना होगा। तीर किसी तेजी से लाइब्रेरी से निकला तिरंगा। कुछ देर बाद ही राजा साहब के कमरे में जा पहुंचा। राजा साहब का कमरा तो चंदन की महक से बुरी तरह महक रहा है, लेकिन राजा साहब यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए वो? ओहो, यह आवाज़ कैसी? फम, अगर तिरंगा पूरी तरह सतर्क ना होता तो अपने पीछे हुई उस हल्की सी आवाज़ को ना सुन पाता और ना अपने आप को उस मौत के शिकंजे में फंसने से बचा पाता। ओफ, कोबरा जाति का यह विषैला सांप, चंदन की गंध से एकदम पागल, अपना सारा विष मेरे शरीर में भर देने को एकदम तैयार। फो, लेकिन इसे यहाँ मेरे लिए नहीं, राजा साहब के लिए छोड़ा गया है। और चंदन वे सांप का यह संगम साबित कर रहा है कि मौत के इस दूत को यहाँ छोड़ने वाला आखिरी हत्यारा ही है। जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राजा साहब किसी मुसीबत में है। मुझे उन्हें देखना होगा अपने आप को इस मुसीबत से निकालने के बाद। फां, और इसके लिए मुझे लेनी होगी अपने लबादे की मदद। इधर तिरंगा ने तिरंगी लबादा अपने हाथ में लिया और इधर सनसनाई वह मौत। फां, लेकिन उस मौत की वह आखिरी छलांग थी, क्योंकि तिरंगा उसे मजबूती से लबादे में दबोच चुका था। इसे इस तरह हाथों में पकड़े रखना ठीक नहीं, इसलिए इसे बंद करना होगा उस पिटारी में। कमरे में मौजूद पिटारी ने तिरंगा को इस जहरीली मौत से तो छुटकारा दिलाया ही, साथ ही कई सवालों को जन्म भी दे दिया। आखिरी हत्यारे ने कोबरा को इसी पिटारी में बंद करके कमरे में पहुंचाया, लेकिन ये पिटारी वैसी नहीं जैसे अक्सर सपेरों के पास देखी जाती है। यह तो टेम्परेरी ढंग से हाथ से बनाई पिटारी है, और अगर मेरा सोचना सही है तो इसे बनाने के लिए उन गुलाब के पौधों की डंडियों का इस्तेमाल किया गया है जो महल के चारों तरफ काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। खिड़की से झांककर गुलाब के पौधों को देखते तिरंगा को अचानक कुछ और भी दिखा। खिड़की के पास ही राजा साहब की तलवार पड़ी है और साथ ही पड़ा है वह विचित्र फूल। इस तलवार के यहाँ पड़े होने का एक ही मतलब है कि इसे राजा साहब के हाथ पर वार करके छुड़ाया गया है, और वह वार शायद किया गया है इस फूल से। कैसी बेकार की बातें सोच रहा हूँ मैं, भला तलवार के मुकाबले कोई फूल से वार करेगा? भला फूल और तलवार का क्या मुकाबला? ओह, ये क्या हुआ एकाएक, मुझे चक्कर से क्यों आने लगे? तिरंगा ने अपने मस्तिष्क को घूमता महसूस किया। अगले ही क्षण उसने अपने हाथ में थमे फूल को तेजी से दूर उछाल फेंका। उफ, सचमुच उस फूल और तलवार का कोई मुकाबला नहीं। तलवार से कई गुना घातक है वह फूल। तलवार के वार से बचा जा सकता है, लेकिन फूल की खुशबू से हरगिज नहीं बचा जा सकता। जो इंसान को कुछ ही पलों में बेहोशी की दुनिया में पहुंचा देती है, निश्चय ही यह फूल ब्रह्म कमल प्रजाति का है, जिसकी खुशबू इंसानी मस्तिष्क पर नशे की तरह प्रभाव डालती है। और यह बात आखिरी हत्यारा अपनी कला की बदौलत अच्छी तरह जानता है। और अब शायद मैं समझ चुका हूँ कि कौन है राजघराने के वंश का नाश करने में जुटा वह आखिरी हत्यारा। होश में आ बीजी राव, और यमराज के पास जाने से पहले एक बार देख सामने खड़ी अपनी मौत को। ठंडे पानी की फुहार चेहरे पर पड़ते ही राजा साहब हड़बड़ा कर उठे और सामने खड़े शख्स को देखकर क्रोध से गरज उठे। कौन हो तुम, और यह क्या बदतमीजी है? मेरी हरकतों को तुम बदतमीजी कह सकते हो बीजी राव, लेकिन मैं इसे बदला कहूँगा, अपनी जाति के विनाश का बदला। हैरान ना हो बीजी राव, तेरा अपराध बताने के लिए ही तुझे होश में लाया हूँ मैं, वरना तेरी बेहोशी में ही तुझे परलोक भेजने में मुझ कहर जाति के आखिरी वंशज को भला कितनी देर लगनी थी। ज्वालामुखी सा विस्फोट हुआ था राजा साहब के मस्तिष्क में। तुम कहर जाति के हो ना? नहीं,
नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा ही है बीजी राव। लेकिन तू इस बात को इसलिए नकार रहा है क्योंकि आज से 50 साल पहले तूने हमारी जाति के लोगों को चुन चुन कर मरवा डाला था। तू नहीं चाहता था कि हमारी जाति का कोई भी आदमी आजाद भारत की हवाओं में सांस ले, लेकिन विधि के विधान को तेरा फैसला मंजूर नहीं था। तभी तो उसने बचा दी थी कहर जाति की रूपली नामक वह औरत, और वह औरत मेरी माँ थी जिसने मुझे आज़ादी की फिजाओं में जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जाति के बारे में कुछ जानूं, इसीलिए उसकी जुबान पर कभी भी मेरी जाति का जिक्र नहीं आया। उस राज को अपने साथ ही लेकर वह अभी कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन वह भी विधि के विधान को ना मिटा सकी जिसमें तेरे वंश की बर्बादी मेरे हाथों लिखी थी। अपनी माँ की मौत के बाद जब मैंने उस गठरी को खोला जिसे वह पिछले 50 सालों से सजो कर रखे हुए थी, उस गठरी में मौजूद थी उसकी यादें और मेरी पहचान उस पांडुलिपि के रूप में, जिसमें मेरे खानदान और जाति के साथ साथ तेरे और तेरे खानदान के जुल्म की कहानी दर्ज थी। ज्यों 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 मैं उस पांडुलिपि को पढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों मेरा खून उबाले मार रहा था और मेरी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, बदला बदला। 50 साल की उम्र में बदला लेना कठिन था, लेकिन कहर जाति का आखिरी वंशज मैं उम्र और हालातों का गुलाम नहीं था। इसीलिए हत्या करने की अनोखी गुप्त कला के सहारे मैं बन गया आखिरी हत्यारा, जो तुझे मारने के बाद अपनी जाति की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। कहानी अच्छी है, लेकिन अफसोस, इसका दी एंड सेंट्रल जेल में जरूर होगा। तिरंगा, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? तुमने परमवीर को मारने के लिए हांडी को पेड़ पर टांगा, करमवीर के लिए फूलों का गुलदस्ता इस्तेमाल किया, सांप की पिटारी के लिए गुलाब की डंडियों का इस्तेमाल किया। ये सब सोचने के बाद फिर भला ये सोचना क्या मुश्किल था कि आखिरी हत्यारा वही हो सकता है जो महल में ही रहता हो और जिसे पेड़ पौधों का भी ज्ञान हो, और ऐसा ज्ञान किसी अच्छे मालिक को ही हो सकता है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? आखिरी हत्यारे उर्फ माली रुद्र सिंह, आखिरी हत्यारे की असलियत सामने ले आया था तिरंगा। अब उसने भी अपने को कंबल में छिपाने की जरूरत नहीं समझी। तेरे विलक्षण दिमाग की दाद देनी होगी तिरंगा, लेकिन तेरा यह दिमाग मुझे मेरा मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा हर मकसद तुम्हारे साथ ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा तिरंगा, मौत का जो जाल मैंने राजा साहब के इर्द गिर्द बिछा रखा है, उसमें से तू उसे कभी बाहर नहीं खींच पाएगा। हमारा शरीर बूढ़ा जरूर हो गया है नमक हराम, लेकिन तेरे इस कांटे भरे जाल को तोड़कर हम बाहर निकल जाए इतनी ताकत हम में बाकी है। राजा साहब रुकिए! राजा साहब को रोकने के लिए तिरंगा चीखा, पर देरी से, क्योंकि तब तक राजा साहब अपने इर्द गिर्द मौजूद कांटों की बाड़ को तोड़कर बाहर आ चुके थे। ओह नहीं, ये आपने क्या किया राजा साहब? ये साधारण कांटे नहीं हैं, बल्कि जहरीले कांटे हैं, और ये कांटे आपके शरीर में चुभ चुके हैं, इसीलिए जहर आप पर असर। राजा साहब, आह, तिरंगा की बात पूरी होने से पहले ही जहर ने अपना असर दिखा दिया। किसी शराबी की भांति लहराकर धड़ाम से नीचे आ गिरे राजा साहब। इसी के साथ आखिरी हत्यारे के हलक से वैशी ठाका फूट पड़ा। हा, दाद देनी होगी तेरे दिमाग की। तू समझ गया कि कांटे जहरीले होंगे, लेकिन बेवकूफ बीजी राव नहीं समझ पाया और अपने शरीर में प्रवेश करा बैठा वह जहर जिसकी काट सिर्फ कहर जाति के लोग ही जानते हैं, और दुनिया में मेरे सिवा इस जाति का कोई दूसरा नहीं है, इसलिए इसे तड़पता हुआ मरता देख। तुझे राजा साहब को बचाना होगा, मैं तुझे इसके लिए मजबूर कर दूंगा। बीजी राव की मौत की चिंता छोड़कर अपनी जिंदगी को बचाने की
सोच तिरंगा खुर्र, जो इस गोह के द्वारा काल के गाल में फंसने जा रही है। उफ, काल किसका आया है इसका फैसला यह ढाल करेगी। खचा, खूनी गोह खत्म हो गई, अब तिरंगा टूट पड़ा आखिरी हत्यारा पर। राजा साहब को बचाने का तरीका बता हत्यारे, धड़क। आह, तू मेरी जुबान नहीं खुलवा सकता तिरंगा, क्योंकि पत्थर बोल सकते हैं मगर कहर जाति के लोग नहीं। ओहो, उफ, राजा साहब की हालत पल प्रतिपल बिगड़ती जा रही है। राजा साहब की हालत ने तिरंगा को क्रोध का पुतला बना डाला। दूसरे ही क्षण क्रोध से भरे तिरंगा ने कर दी वह हरकत जो उसके स्वभाव से कतई मेल नहीं खाती थी। इस कांटे के जहर से अगर तू राजा साहब को नहीं बचा सकता तो तू भी उनके साथ मर हत्यारे। जहर बुझा कांटा आखिरी हत्यारे के जिस्म में पैवस्त हो गया। इसी के साथ मौत के आतंक ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। अब मैं राजा साहब के साथ साथ तुझे भी मरता देखूंगा। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे पास इस जहर की काट मौजूद है। बालों की इस विग के अंदर वाली सतह में जहां लगा है वह केमिकल जो कांटे में लगे जहर की काट है। तुझसे जहर की काट हासिल करने का यही तरीका था। मैं जानता था कि अगर वह काट तेरे पास होगी तो उसे तू अपने लिए जरूर इस्तेमाल करेगा। तभी मैंने तुझे जहरीला कांटा छुपाया। अब तू अपने आप को जहर से बचा चुका है, इसलिए ला यह विग मुझे दे और थोड़ी देर गहरी नींद सो जा। आखिरी हत्यारे को बेहोश करने के बाद तिरंगा ने विग की अंदर वाली सतह पर लगा केमिकल राजा साहब को भी चटा दिया। कहर जाति के इस आखिरी वंशज के हाथों आपका वंश खत्म होने से बच गया है। राजा साहब, पुलिस बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाइए। धन्यवाद तिरंगा। फिर तिरंगा वहां नहीं रुका। हर तरफ नफरत के लगा देती है बाघ, इंसान के सीने में जलती प्रतिशोध की आग। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कॉमिक्स में आखिरी हत्यारा मरा नहीं है, वह अभी जिंदा है और वापस ज़रूर आएगा। और तब तिरंगा को ज़रूरत होगी ब्लाइंड डेथ की मदद की ज़रूरत। तो अगली कॉमिक्स में आपको तिरंगा के साथ ब्लाइंड डेथ भी नज़र आएगा। तो अगली कॉमिक्स रोमांचक होने वाली है, पढ़ना ना भूले। आखिरी हत्यारे की कॉमिक्स का अगला भाग, कहाँ छिपा है कातिल। धन्यवाद।